स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टुडे वी विल स्टार्ट योर पोएम नंबर 6 ऑन योर इंग्लिश बुक बिहाइव नो मैन आर फॉरेन। मतलब इसका मीनिंग ही क्या है, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी जो पर्सन है मैन है आदमी है वह क्या है, फॉरेन नहीं, फॉरनर जो है वह है नहीं है, सब मैन क्या है इक्वल है इस पोएम में, ये बताया गया है पोएट ने। और दिस पोएम वॉज रिटन बाय जेम्स क्रिकअप, ये जो पोएम है वह जेम्स क्रिकअप द्वारा लिखी गई है, राइट की गई है, और उन्होंने बताया है कि और वह अपने इस पोएम में क्या कहते हैं, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। मतलब क्या है कि कुछ लोग को अजनबी या दूसरे देशों का क्या है, विदेशी समस्या है, सोचा है कि कुछ लोगों को क्या है, मतलब हम लोगों को क्या है, ऐसी हमारी प्रॉब्लम है कि स्ट्रेंज है, कि कोई स्ट्रेंज होता है अजनबी और फॉरेन होता है मतलब कंट्रीज है फॉरेन, फॉरेन कहते हैं हम विदेशी कंट्रीज, जो दूसरी कंट्री होती है उसको हम फॉरेन कंट्री कहते हैं, ठीक है। वी हैव मैनी वेज टू थिंक ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम, हम लोग क्या है एक दूसरे से क्या है अलग अलग तरीके से डिफरेंट होते हैं और एक दूसरे से अलग अलग है, और देश अलग अलग जो है देश से मतलब अलग अलग कंट्री, एक कंट्री से क्या है एक दूसरे अलग वहाँ रहते हैं, वहीं के हमारे रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, और क्या है हम अलग अलग कंट्री में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री में लीव करते हैं और क्या करते हैं अलग अलग हमारी जो स्पीकिंग लैंग्वेज होती है, स्पीक टॉकिंग वे होता है वो अलग होता है, स्पीकिंग लैंग्वेज है हमारी टॉक करने की वो अलग अलग हमारी लैंग्वेजेज है। इन दिस पोएम हाउ एवर द पोएट रिमाइंड अस ऑफ द मैनी वे इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर बी ऑल ह्यूमन, और इस पोएम के अकॉर्डिंग क्या है जो पोएट है जेम्स क्रिकअप वह क्या बताना चाहते हैं कि हम अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में रहते हैं और हमारी भले ही क्या है लैंग्वेज डिफरेंट है, हमारे जो कंट्री है वो डिफरेंट है, हमारे जो रहने के तरीके हैं स्टाइल है लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है हम सारे सेम हैं। अब ऐसा वह क्यों कहते हैं, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब क्या है ह्यूमन है, इंसान ही है, और ऐसा क्यों है अब हम इस पोएम में इसको अच्छे से जानेंगे, कभी क्या कहना चाहता है क्यों हुआ है, क्या कहता है कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है सब सेम है, ऐसा हुआ है क्यों कहता है, इसके बारे में हम पोएट की जो फीलिंग है उसको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन बेंथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, कभी कहते हैं कि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी जो पर्सन है व्यक्ति है वह क्या है अजनबी नहीं है या स्ट्रेंज नहीं है अपरिचित नहीं है, और ना ही कोई भी जो कंट्री है वो क्या है विदेश है या फॉरेन कंट्री है, और ऐसा कि विंथ ऑल यूनिफॉर्म क्या है सभी के विभिन्न प्रकार के कपड़ों ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स कपड़े, और कपड़े के नीचे एक जैसा ही क्या होता है बॉडी होती है शरीर होता है, जैसे सांस एक जैसा शरीर जो है होता है और वही ब्रीथ करता है सांस लेता है अर्थात स्थित है, और हमारी तरह ही हमारे जो और दूसरे व्यक्ति है पर्सन है लोग हैं भाई है वह भी भूमि पर चलते हैं, उस देश की भी भूमि इसी प्रकार की है जिसमें हम सब विश्राम करना का है अथवा मृत्यु के बाद सभी को इसी मिट्टी में क्या है हमें शैल लाइव मृत्यु के बाद इसी में हमें मिल जाना है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार लॉन्ग विंटर स्ट्रेप्ड देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइंस वी रीड ए लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, और कभी कहते हैं कि बाहर उन्हें
अर्थात दूसरे देशों में रहने वालों की भी। सूर्य जो सन है, सन की जो लाइट है वो एक जैसी होती है, लाइट उन्हें भी क्या है, सूर्य प्रकाश देता है। हवा और पानी की जानकारी उनको भी नॉलेज है कि हवा और पानी, और उन्हें शांत फसलों द्वारा ही जो है पोषित किया, उन्हें भी क्या फसलों के द्वारा ही पोषित किया जाता है। अर्थात सभी शांति से क्या है फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं और लंबी शीत ऋतु की भांति भूखे मरते हैं। अतः युद्ध में क्या है, सभी लंबी वॉर में मरते हैं, चाहे वह हमारी इंडिया की कंट्री के, अमेरिका की कंट्री के, चाइनीज है, वो सब क्या है, जब वह युद्ध वॉर में आते हैं लड़ाई करने, तो वॉर फील्ड में आते हैं, तो ऐसे ही सारे जो योद्धा होते हैं वैसे ही सेम मरते हैं। और युद्ध वहाँ भी क्या है, ऐसा ही विनाश लाता, वहाँ भी ऐसी सिचुएशन लाता है जैसा कि हमारी अपनी कंट्री में। उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं, और उन्हें और उनके हाथों की रेखाओं में हम एक प्रकार की मेहनत पाते हैं जो हमसे भिन्न नहीं है। अर्थात वह लोग भी हमारे जैसे ही क्या है, काम करने वाले हैं, मेहनत कश है। रिमेम्बर दे हैव आइज लाइक आवर दैट वेक और स्लीप, और ये भी याद रखें कि जो उनकी आँखें हैं वह भी हमारी तरह ही जैसे, जिसे कि हम देख सकते हैं और उठते हैं और सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और क्या है, और वह शक्ति है जिसे प्यार से जीता जा सकता है, और वह ऐसी शक्ति है जिसे हम क्या है प्यार से जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल द रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और क्या है, हर भूमि पर सामान्य जीवन है जिसे सभी पहचान तथा समझ सकते हैं। मतलब जितना भी लैंड है वहाँ पे क्या है, सामान्य जीवन है, जैसा हमारे यहाँ वैसा ही अदर कंट्री में भी होता है। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज बेटर कंडम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और आओ हम याद रखें कि जब हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है तो हम ही है, हम स्वयं को ही अधिकारहीन करते हैं। धोखा मतलब हम धोखा देते हैं और निंदा करते हैं। याद रखो, इंसान ही है जो एक दूसरे के प्रति क्या है, हथियार उठा लेता है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरी बियर आवर ओन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और जो कवि है वह जो पोएट है वो कहता है कि मानव धरती है जिसको हम दूषित करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, ह्यूमन डिफाइल करते, पॉल्यूट करते हैं, और हमारा अग्नि द्वेष और धूल हवा की जो पवित्रता को क्या है उसे भी वह क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, भगा देता है, रेंज से बाहर कर देता है। और जो हवा हर जगह हमारी है, याद रखो कि कोई भी व्यक्ति अजनबिया, कोई भी देश विदेश नहीं है, मतलब कोई भी जो मैन है वो फॉरनर नहीं है, और जो कोई भी कंट्री हो भी फॉरेन कंट्री नहीं है, सबको हमें सेम समझना चाहिए। इसका मीनिंग यह हुआ कि पोएट कहना चाहते हैं कि भगवान ने, जो गॉड है उसने क्या है, इस वर्ल्ड में जितने भी पर्सन बनाए हैं उन सबको एक जैसा बनाया है, और सबकी जो नर्व्स होती है उनमें जो ब्लड है वो भी एक जैसा होता है, लाल कलर का होता है, और उनका मनुष्य ने अपने देशों के और एक जैसा बनाया, लेकिन जो हम पीपल हैं उन्होंने अपने देशों की डेवलपमेंट करने के लिए क्या है अपने, जिससे सीमा विवाद संबंध देशों का निर्माण कर दिया है, अलग अलग बहुत से देशों का निर्माण कर दिया है, जिससे कि क्या है युद्ध युद्ध के जो सिचुएशन है, वाद विवाद की जो डिबेट की जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट होती है। और कवि जो लास्ट में यही कहना चाहता है कि यही जो है वो हमारे लिए गाइड करता है या सलाह देता है कि कोई भी व्यक्ति या देश अजनबी
नहीं है। तो ये थी छोटी सी पोएम कि किस तरह से कवि कहता है कि नो मैन आर फॉरन के थॉट्स किस प्रकार के हैं। तो टुडे वी विल फिनिश योर पोएम नंबर 6।